सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल क्रिटिक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जैसे कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों का सीपीयू नहीं चलता है, या सीपीयू जो होता है वो ऑन करने पे वो स्टार्ट नहीं लेता है, कि आप ऑन कर रहे हैं वो स्टार्ट ले ही नहीं रहा, उसका ना लाइट ऑन हो रहा है ना कुछ ऑन हो रहा है। तो वही आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसा स्टेप्स बताऊँगा जिससे आप लोग अपने पीसी को चेक कर सकते कि वो स्टार्ट क्यों नहीं ले रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट लाते रहूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सो पहले हम लोग को ये ब्रैकेट खोल लेना है। हमेशा याद रखिए, पीछे से अगर आप देखेंगे तो हमेशा राइट साइड वाला ब्रैकेट खोलिएगा, लेफ्ट साइड वाला से ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी के ये पुराना ओल्ड पीसी है तो राइट साइड का ही ब्रैकेट खोल दीजिएगा। तो जैसे कि मुझे ये स्क्रू खोलना है बस, और नीचे एक स्क्रू खोलना है जिसके लिए मुझे एक प्लस स्क्रू ड्राइवर लगे। तो चलिए जल्दी से खोल लेते हैं। तो हम लोगों ने इधर दो स्क्रू खोल लिया, ये दो स्क्रू को बहुत संभाल के रखे कि हराना नहीं चाहिए तो बहुत दिक्कत हो जाता है। चलिए अब पीसी को हम लोग खोल लेते हैं। सो ये जैसे कि देख पा रहे हैं, अगर ये खुल गया तो काफ़ी आसानी से ये निकल जाएगा। सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरा जो हार्ड डिस्क है ये गिर चुका है, क्योंकि मैं ये पीसी बहुत दिन के बाद खोल रहा हूँ। तो इधर उधर के चक्कर से ये गिर गया। पहले के पीसी के कैबिनेट में ऐसा कुछ अच्छा नहीं होता था कि बहुत अच्छे से उसे पकड़ के रहे या ये करके रहे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को चेक करना रहता पहले। सो पहले सबसे स्टार्टिंग में हमको क्या लिखना पड़ता है, ये जो SMPS है, ये SMPS इसको बोलते हैं, ये जो SMPS का फ़ैन है ये SMPS है। काफ़ी सर प्रॉब्लम इसी से हो जाता है कि इसका जो वायर होता है, ये वाला जो वायर है ये खुल जाता है, ये जो वायर होता है। तो ये वायर कभी कभी क्या होता है, इधर का जो पॉइंट का तार होता है वो कभी कभी कट जाता है, तो इसकी वजह से यही SMPS में सप्लाई नहीं दे पाता है, तो इससे आपको दिक्कत रहता है। और काफ़ी बात क्या होता है कि ये जो SMPS होता है, ये जो SMPS है यही ख़राब हो जाता है बहुत बार। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि SMPS क्या हम लोग का SMPS ठीक है या हम लोग का भी SMPS ख़राब हो गया। तो उसको चेक करने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। तो उसको चेक करने के लिए पहले वो क्या करना है, बहुत वायरिंग से इधर थोड़ा देख के करना, पर आप लोग खुद से कर सकते हो, बहुत ही इतनी आसान भी है, जितना हार्ड लगता है उतना है भी। तो आप लोग देखेंगे SMPS से बहुत सारे वायर्स निकल रहे, जैसे कि इधर से बहुत सारे वायर्स निकल रहे। तो ये वाला जो होगा एक जगह पे होगा जहाँ पे इसके कुछ 42 या कुछ नंबर्स होते हैं, मुझे नहीं याद। तो ये बहुत चौड़ा टाइप का रहेगा SMPS का ये, तो इसे हम लोग को खोल लेना है। दो साइड से खोलिएगा, देखिएगा खुल जाएगा, कुछ इस तरह का होगा, कुछ बड़ा टाइप का होगा, आपका मदरबोर्ड में ये अटैच किया हुआ होगा। सो हम लोग क्या करना है मैं बता देता हूँ। सो जैसे कि इसमें जितने भी वायर्स होंगे सब में से एक वायर होगा, वो होगा ग्रीन वायर, जैसे कि मेरा ये ग्रीन वायर है। सो ग्रीन वायर का सबसे क्लोज जो ब्लैक वायर होता है, जैसे कि मेरा ये रो का सबसे क्लोज में ब्लैक वायर है ये वाला, ग्रीन ब्लैक। सो ये वायर का काम क्या होता है, ग्रीन वायर का ये पावर सप्लाई देता है, तो जिससे ये SMPS का जो फैन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है मेरा मेन काम ग्रीन वायर का। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों वायर को शॉर्ट कर देना है। मेरा कहने का मतलब है शॉर्ट कर देना, मतलब कि दोनों को जॉइंट कर देना है। तो दोनों को जॉइन करने के लिए हमें कोई एक वायर लगेगा या कोई एक स्प्रिंग या कुछ भी वैसा कुछ लगेगा जिससे हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि ये एक वायर है, तो एक हम इधर ग्रीन वाले सॉकेट में ढुका देंगे और दूसरा एंड जो होगा वो हम लोग ब्लैक वाले में ढुका देंगे। याद करके रखना दोस्तों, ग्रीन में ही ढुकाना, किसी और में मत ढुका देना, अब ब्लैक में ही ढुकाना, ये वाला ब्लैक में। सो इसको ढुका के SMPS में जितने सारे कनेक्शंस किए, जितना पावर सप्लाई दिया हुआ है इधर, ये एक CD ड्राइव में दिया हुआ है ऊपर, और एक हार्ड डिस्क में दिया हुआ है इधर। तो ये सब पहले खोल लेना, सब सप्लाई खोल लेना, फिर इसमें जो ये दोनों को जॉइंट करके
इससे क्या होगा कि आप चेक कर पाएंगे कि आपका कहीं आपका SMTS तो ख़राब नहीं हुआ, तो ये आप आराम से चेक कर सकते हैं ये इस टेक्निक से। ग्रीन वायर को ऐसे इसको शॉर्ट करना बोलते हैं दोस्तों, जब आप वायर जो ज्वाइन करके ये करते हो तो। और बहुत बार क्या होता है मैं बता दूँ, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग का जो वायर्स होता है रखा उसमें धूल जम जाती है, इसलिए वो काम नहीं करता है। तो ये हो गया मदरबोर्ड को जो पावर देता है ये वाला वायर। तो ये वाला वायर को एक बार देख लेना ये ठीक से लॉक किया हुआ है कि नहीं। और ये वाला जो वायर होता है मोस्टली येलो ब्लैक में ही आता है और 4 वायर्स रहता है एक साथ, तो ये मदरबोर्ड में असेंबल हो जाता है। और काफ़ी टाइम में कॉन्टैक्ट क्यों नहीं होता कि ये जो रैम है मैं दिखा दूँ एक बार, देखना ऐसे करके ये लॉक हटेगा और ये रैम निकल जाएगा। सो ये जो रैम कार्ड होता है रैम स्टिक, दिखा देता हूँ, जो ये रैम स्टिक होता है ये बेसिकली क्या होता है कभी कभी इसमें धूल जम जाता है और इसमें कार्बन जम जाता है। ये जो येलो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो अंदर रहता है उसमें कार्बन जम जाता है, इसलिए स्टार्टअप लेने में बहुत प्रॉब्लम करता है ये। तो इरेजर अगर आप लोग के पास होता है इरेजर, जिससे पेंसिल रबड़ का इरेजर जो होता है, तो उससे रब करके तो आप देखेंगे ना काला काला ब्लैक कार्बन्स निकलेगा वो इरेजर के डस्ट के साथ। उसको क्लीन करके अच्छा से फिर से अप्लाई करके उसे लगा दीजिएगा। हाँ सो और हमें क्या चेक करना है, अगर SMPS, जब SMPS को हम इसलिए चेक करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं फिर से स्टार्ट में जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम और थोड़ा भी मतलब डाउट्स नहीं रहे। SMPS पहले हम लोग सबसे पहले जो चीज़ चेक होता है वो SMPS होता है, क्योंकि पावर सप्लाई जब तक ये पूरा मदरबोर्ड में नहीं जाएगा तब तक आपका PC काम नहीं करेगा, इसलिए पावर सप्लाई का जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं इसका जो वायर्स होता है कैसे हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं, कैसे वायर ग्रीन वायर में डाल के, फिर हमको चेक करते हैं रैम, जो हम लोग का रैम हो गया, रैम का वो जो कार्बन होता है वो क्लियर करके। अब थर्ड चीज़ पे आ जाता है, तो थर्ड चीज़ होगा हम लोग का CPU। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपके भी CPU में कहीं ना कहीं एक बैटरी लगा होगा, जिससे बहुत लोग बोलते हैं इसे डेड टाइम एक्टिव रहता है। तो इस डेड टाइम के साथ साथ जो PC का जो फ्लक्चुएशन होता है पावर में, वो भी उसमें भी थोड़ा बहुत ये बैटरी का हेल्प करता है। ये बैटरी का कोड मैं बता देता हूँ, ये CR2032 बैटरी है। 2032 बोलने से भी ये आपको बैटरी में कहीं पर मिल जाएगा, तो ये बैटरी को आराम से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और फिर बाकी सब आपको चेक करने के लिए, जैसे कि ये हार्ड डिस्क हो गया तो आपका काम नहीं कर रहा है। तो मेरा PC में एक बार प्रॉब्लम आया था, कि क्या प्रॉब्लम हुआ था मैं आपको बताता हूँ, ब्रीफ में बताता हूँ, कि कहीं से चूहे ने कोई तार या कुचल उचल तो नहीं दिया। तो वही मैं चेक करने के लिए मैंने चेक किया कि मेरा जो पहला CPU था, ये CPU बोल रहा हूँ, हार्ड डिस्क था, तो उसमें ये वायर ज्वाइन था और ये जो था ये वायर ये मदरबोर्ड में ज्वाइन किया हुआ था। और मैंने देखा कि इधर एक तार जो है, इसके आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तार जो है ये इधर कुचला हुआ है, टूटा हुआ है, 2 वायर्स टूट चुके हैं। तो फिर ये जो होगा ये आपका काम कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं लेगा, क्योंकि मेन काम होता है इसमें हार्ड डिस्क, तो ये स्टार्ट ही नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, दूसरा साइड जो था, दूसरा साइड मैंने चेक किया तो दूसरा साइड बिल्कुल ठीक था, तो इसलिए मैं ये वायर को अपोजिट करके इस सॉकेट में अटैच कर दिया, क्योंकि दूसरा साइड बिल्कुल फ्रेश था, कहीं से कुछ स्क्रैच व्रैच नहीं थी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने CPU को रखते तो ऐसे संभाल के रखो कि आपका चूहा हुआ या कुछ भी हो वो आपके PC को नुकसान नहीं दे पाए। देखा जाए तो मेरा ही PC को काफ़ी नुकसान दे चुका है कुछ चूहों ने, देखेंगे यहाँ का तार बहुत ख़राब है पर वो चल जाता है कहीं ना कहीं। और हाँ, जो आपको लास्ट में सबसे अच्छा चाहता चीज़ देखना है कि सब जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी ये सब वायर्स है, सबको मतलब अच्छे से ये करना है, मतलब अच्छे से एक बार निकाल के फिर से ढुकाना है, या तो वो ढुका हुआ है तो उसको टाइट से एक बार पुश कर देना है कि यार सही में वो अच्छा से ढुका हुआ है कि नहीं। थोड़ा कैमरा एंगल को ये कर दे रहा हूँ। और बहुत टाइम क्या होता है, ये जो प्रोसेसर का फ़ैन है ये ऑफ हो जाता है, तो एक बार इसको चेक कर लेना कि ये फ़ैन ही तो ख़राब नहीं हुआ या कुछ और प्रॉब्लम है। तो एक बार ये जो फ़ैन होगा ये इसको चेक कर लेना। और बहुत टाइम क्या होता है कि हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, तो हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है तो उसको भी एक बार चेक करवा लेना कि हार्ड डिस्क करप्टेड है कि नहीं। अगर वायर चेंज है, वायर सब फ्रेश है, वायर कहीं से भी कटिंग नहीं है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार हार्डवेयर या मैकेनिक को दिखा देना कि क्यों ये प्रॉब्लम कर रहा है। और जहाँ तक कि ये साटा केबल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, साटा केबल जो है ये आराम से, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो मोटा मोटी मैंने आपको सब बता दिया कि क्या क्या चेक करना चाहिए। और एक लास्ट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
ये बहुत कम ही होता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इधर अगर आप लोग देखेंगे तो इधर ये वाला जो है ये मेरा पावर सप्लाई का स्विच है जिससे मैं कंप्यूटर को ऑन करता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि यार स्विच में कार्बन जम जाता है, बहुत सारा डस्ट की वजह से वो कार्बन क्रिएट होता है ब्लैक ब्लैक और वो जम जाता है, तो इसलिए वो पॉइंट में वो पावर दे नहीं पाता है। जब पावर स्विच में पावर नहीं जाएगा तो वो सिस्टम को कमांड कैसे करेगा कि ये स्टार्ट लो, SMPS को कमांड कैसे करेगा कि स्टार्ट ले लो अब। सो इसलिए उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक बार इसको भी चेक करवा लेना, अगर ये अगर कार्बन जम गया है स्विच में, अगर आप लोग ने चेक कर लिया जितना प्रॉब्लम्स मैंने बताया वो नहीं हुए, तो आप लोग एक बार कार्बन स्विच को देखा लेना स्विच को कि स्विच में तो प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत टाइम क्या होता है कि इधर का वायरिंग में थोड़ा सा डिफॉल्ट हो जाता है। मैं एक बार दिखा दूँ, जो एक बार मुझसे हो चुका है कि ये जो वायरिंग आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली 4 वायर्स है। एक उसमें से पहला वाला जो है ये ब्लू वाइट, ये हो गया पावर का, साइड वाला रीसेट का, नीचे वाला हार्डवेयर लाइट और ये पावर लाइट, ऐसी कुछ है। ये 4 अलग अलग है, तो इसको कभी गलती से मत निकालना, बहुत दिक्कत होता है। इसका डायग्राम दिया होगा, तो ये सब को एक बार चेक कर लेना कि ये सब हीट होती है कि नहीं। अगर कंप्यूटर स्टार्ट करके थोड़ी देर रख देना, इसको देखना हीट होती है कि नहीं, क्योंकि मेन काम होता है पावर सप्लाई का। पावर सप्लाई का पावर ही नहीं देगा बहुत टाइम, ये तार एक बार ये हो जाता है। तो ये आराम से आपको 400, 300, 150 का भी मिल जाएगा आपको, आराम से 500 का भी मिल जाएगा, जितने का आपको लगाना लगा दो। एक बार इसको चेंज करके चेक कर लो क्या ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, लास्ट में बता देता हूँ, ये जो वायर होता है, ये वाला जो वायर है, अभी तो HDMI रिप्लेस हो गया इसके साथ, तो ये जो वायर होता है कभी कभी इसमें कटिंग्स का प्रॉब्लम होता है, इसलिए CPU ऑन हो जाता है लेकिन डेस्कटॉप में कुछ नहीं दिखाएगा, मॉनिटर में कुछ भी नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं, ब्लैंक। तो एक बार ये वायर को भी चेक करवा लेना, और अगर नहीं काम करता तो ये वाला का पॉइंट इसमें डालना और वो वाला का फिर मॉनिटर में, तो ये वायर ही चेंज करवा लेना। तो अगर आप लोग का लैपटॉप भी स्टार्ट नहीं होता तो मैं आपको लैपटॉप को भी रिलेटेड में वीडियो लेके आऊँगा, और लैपटॉप अगर हीटिंग इशू होता है या कुछ भी होता है तो मुझे बस नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं वीडियो दूसरे दिन वो वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। सो मैं अगर आपका PC कभी ऐसा होता है तो मैं बोलूँगा ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट ना करें, अगर वो बहुत पुराना है या बहुत पुराना सब प्रोसेसर CPU है तो उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। आप एक काम करें, इसके पार्ट अलग अलग करके बिछवा दें, कुछ भी पैसा मिल जाएगा, और उसको एक्सचेंज करके या तो एक न्यू PC ले लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर का ये सब जो मैंने प्रॉब्लम्स बताया है तो ये सब अगर आप करते हैं तो आपका PC बिल्कुल ही बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर अच्छी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू गाइस।